Jahan student, this is Manoj Sharma. Once again, welcome to my channel Mathematical Garden. This video is for class 11th, chapter 1, sets. आज इस वीडियो में हम अपने अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है सबसेट. सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, पावर सेट क्या होता है, आज इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसेट से. अब सबसेट क्या है, तो अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी. इट मीन्स कि एक सेट ए है, ठीक है ना, वो किसी का सबसेट तब कहा जाएगा, किसका, सेट बी का, किसी और सबसेट सेट का सबसेट तब कहा जाएगा जब जो एलिमेंट ऑफ ए हैं, यानी कि जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट हैं, सेट ए में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सेट बी में भी होने चाहिए. हम उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि ये ए अगर सेट ए में है तो साथ ही साथ वो ए सेट बी में भी होना चाहिए. अब यहाँ पर बात यह आती है कि जब ये ऐसा है तो हमने सेट बी को क्यों नहीं कहा कि सबसेट ऑफ ए, मतलब कि यहां पर कंडीशन ऐसी है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, पर ये जरूरी नहीं है कि बी के सारे एलिमेंट इसमें हो. आई बात समझ में, एक ही कंडीशन अभी आपको बताई जा रही है कि ऐसा सेट ए हो जिसके सारे एलिमेंट सेट बी में पाए जा रहे हैं, तब उस टाइम हम सेट ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं और रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, इस तरह से हम उसको सिंबलाइज करते हैं, ठीक है ना. एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिया, एक हमने सेट बी लिया जिसको हमने कहा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अब नेचुरल नंबर में आपके पास क्या क्या आते हैं आपको मालूम है, आपके पास आते हैं 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट. हमने एक सेट ए लिया जहां पर हमने इसमें इवन नंबर्स रखे अप टू इन्फिनिटी, 2, 4, 6, 8, 10, 12 लाइक दिस. अब यहां पर नेचुरल नंबर में क्या इवन नंबर नहीं आते, पॉजिटिव इवन नंबर तो आते ही हैं, है ना. तो हमने क्या बोला कि हियर ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ये जो सिंबल है इसी को हम सबसेट नाम यहाँ पर दे रहे हैं क्योंकि सबसेट का सिंबल यही है, ठीक है ना. अब ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि 2 अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो 2 बी में भी है. 6 का एग्जाम्पल लें तो 6 ए में है और 6 बी में भी है ना. अब यहां पर हम ये कहें कि 1 बी में है तो क्या 1 इसमें है, नहीं, यानी कि इस सेट ए के सारे एलिमेंट यहां पाए जा रहे हैं बी में, पर बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए केवल ए ही बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट नहीं है. उसका नाम हम दूसरा देते हैं, उसको बोलते हैं सुपरसेट. अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपरसेट है, आगे अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना. इसी को हमने जनरलाइज किया और लिखा x belongs to A, this implies x belongs to B. इस कंडीशन पे हम ये कहते हैं कि सबसेट है, ठीक है. आगे देखते हैं क्या है. जो मैंने सुपरसेट के बारे में बात की, अगर हमारा A सबसेट है B का, अभी मैंने पहले सिंबलाइज किया है उसको, हमने इस तरह से लिखा हुआ था A is a subset of B. अब इसी को मैं जस्ट उल्टा लिखता हूँ, दिस इज द सिंबल ऑफ सुपरसेट. यहाँ पर B सुपरसेट है किसके लिए, A के लिए, तो यहाँ पर मैंने वही रिप्रेजेंट किया आपको कि B सुपरसेट है A का. सुपरसेट मतलब जो उसकी सारी वैल्यूज सेट A की सारी अपने अंदर रखता है. नंबर ऑफ सबसेट्स, अब किसी भी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, पर्टिकुलर हमने एक सेट कोई लिया और उसे कितने सबसेट बन सकते हैं ये हम कैसे जान पाएंगे बताते हैं. एक हमारे पास फॉर्मूला है टू द पावर एन. एन यहाँ पर क्या है, एन है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट सेट जिसका हमें सबसेट बताना है कि कितने सबसेट हो रहे हैं. एग्जाम्पल, हमने एक सेट लिया ए जिसमें वैल्यूज हैं 1, 2, 3. अब इसके हम सबसेट्स बनाते हैं, तो सबसेट्स कैसे हुए, 5 जिसमें हम कोई वैल्यू ना लें, एक ऐसा सेट, ठीक है. 1 इसमें से केवल लिया, इसमें से केवल 2 लिया, इसमें से केवल 3 लिया, फिर हमने दो दो के पेयर बनाने चालू किए. एक सेट ऐसा बनाया जिसमें 1 और 2 दोनों हैं, एक सेट ऐसा बनाया जिसमें 1 और 3 दोनों हैं, एक सेट ऐसा बनाया जिसमें 2 और 3 हैं, एक सेट ऐसा बनाया जिसमें सारी वैल्यूज ली. अब इसको अगर हम देखें ध्यान से तो ये सारे सबसेट हो गए इसके. अब इसके अलावा कोई इसका सबसेट नहीं बन सकता. कैसे नहीं बन सकता, वैल्यू है 3, 1, 2, 3, टोटल काउंट कितना है 3, तो हमने 2 की पावर 3 लिया, कितने हुए
8, नंबर ऑफ सबसेट केवल 8 बन सकते हैं, इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे सबसेट यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। तो ये तरीका है किसी भी सेट के लिए कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे ये जानने का, और हम उनको कैसे बनाते हैं उनके लिए। नाउ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, हमने एक फिगर आपको पढ़ाया हुआ था पहले भी, जिसमें मैंने कुछ इस तरह से ड्राइंग करी हुई थी, रियल नंबर ठीक है ना, रेशनल इरेशनल ठीक है। अब ये फिगर आपको याद हो या नहीं याद है तो आप पहली वीडियो में आप सर्च करेंगे आपको इजीली मिल जाएगा, है ना, यहाँ पर लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, और रेशनल में हमारे पास आता है इंटीजर, उसके अंदर होल नंबर और उसके अंदर नेचुरल नंबर ठीक है। तो अब नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है, होल नंबर इंटीजर के अंदर हैं, और इंटीजर्स रेशनल के अंदर हैं, रेशनल हमारा रियल के अंदर है, इरेशनल की कैटेगरी भी मौजूद है यहाँ पर। इस कंडीशन में ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर है। ये जो सेट ऑफ होल नंबर है वो क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर है, कह सकते हैं ना। वही हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि एन इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, है ना, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल एंड रेशनल इज अ सबसेट ऑफ रियल। यहाँ पर हम एक वैल्यू और इंक्लूड कर सकते हैं कि एन इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल एंड रेशनल इज अ सबसेट ऑफ रियल। इसी तरह से अगर हम बात करें तो हमारा इरेशनल इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये भी इसका सबसेट है, है ना, रियल नंबर का, क्योंकि रियल नंबर सिस्टम में ये भी आ रहा है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इरेशनल, क्या ये पॉसिबल है, तो नहीं पॉसिबल है। इसको हमें क्या बताना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर इज नॉट अ सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि नेचुरल यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ये इसके अंदर नहीं आता। नेचुरल नंबर में जो भी नंबर आएंगे उनको हम इरेशनल नहीं कहते हैं, तो उसका सबसेट तो नहीं हुआ क्योंकि इसकी सारी वैल्यूज इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। जो हमारे रियल नंबर के सबसेट बनेंगे उनके इंटरवल्स की बात हम करते हैं। इंटरवल्स मीन्स कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। अभी हम बहुत ज़्यादा इसके पीछे नहीं पड़ते इंटरवल क्या चीज़ है, हम ऐसे सोच के चलते हैं कि एक्स की वैल्यू सपोज करिए हमको ऐसे दी गई है, एक्स इज ग्रेटर देन व्हाट ए एंड लेस देन बी। यहाँ ग्रेटर देन एंड लेस देन का सिंबल लगा हुआ है एक्स के लिए, यानी कि ए से बड़ा और बी से छोटा, इन दोनों को इंक्लूड नहीं कर। ऐसी कंडीशन पे हम ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्मॉल ब्रेसेस यूज करते हैं, जिनको हम कहते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। तो इन स्मॉल ब्रैकेट्स को यूज कर लेंगे, इनको नाम देंगे ओपन ब्रैकेट। ध्यान रखिएगा ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इनको हम ओपन ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है ना। ओपन ब्रैकेट का मतलब यह है कि जो टर्मिनल वैल्यूज हैं ए एंड बी उनको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से अगर ये कंडीशन आती है कि ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब क्या है इक्वल भी हो रहा है, तो वहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं और उसको हम कहते हैं क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना। यानी ए और बी यानी टर्मिनल वैल्यूज हम इंक्लूड कर रहे हैं। इसी तरह से कंडीशन थर्ड है हमारी x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन और इक्वल टू b, यानी इससे तो बड़ा है पर इसके इक्वल भी हो सकता है। वहाँ पर हम एक साइड जिधर हमारा इनइक्वालिटी केवल है वहाँ पर ओपन, जिधर इक्वालिटी भी है साथ में वहाँ पर क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। सिमिलरली हियर क्लोज देन ओपन, क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन है साथ में। इसको अगर हमें नंबर सिस्टम पर या कह सकते हैं कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन जब की बात आती है तो हम कैसे करेंगे, जब हमारा ओपन ब्रैकेट हो तो हम वॉइड स्पेस देते हैं, यानी कि वहाँ पर एक वॉइड सर्कल बना देते हैं खाली सा, ठीक है। यहाँ से ए टू बी हमें सारे नंबर लेने हैं रियल नंबर में, तो हमने इनको खाली कर दिया क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है। जिस कंडीशन पर ये इंक्लूडेड है वहाँ पर हम इनको डार्क बनाते हैं, पूरा डार्क पॉइंट बनाते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ भी डार्क है, देखिए यहाँ भी डार्क है। इस कंडीशन के लिए ए को इंक्लूड नहीं किया, होल बनाया और यहाँ पर उसके बाद डार्क बनाया, और ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया फॉर दिस कंडीशन। लास्ट कंडीशन के लिए ए इंक्लूडेड है तो वहाँ डार्क किया, बी इंक्लूडेड नहीं है तो वहाँ पर वॉइड किया, और ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। कभी भी नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें कि हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पावर सेट. पावर सेट क्या होता है? बहुत इजी है, अभी आपने सबसेट्स के बारे में पढ़ा है तो इजी होगा. द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए. किसी सेट ए का सभी सबसेट का कलेक्शन कर लिया जाए, एक सेट बना लिया जाए, उसको हम पावर सेट कहते हैं ए के लिए. इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए. इस तरह से पी ऑफ ए की तरह हम इसको लिखते हैं. इन पी ऑफ ए यानी पावर सेट ऑफ ए एवरी एलिमेंट इज अ सेट. जैसे हम किसी सेट में एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पावर सेट में जो एलिमेंट होता है वो खुद एक सेट होता है. एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है ए इक्वल टू 1 2 मैंने लिया, इसका मैंने पावर सेट बनाया, तो इसके सारे सबसेट्स मैंने यहाँ पर लिख लिए 5 1 2 1 2. ठीक है, इनको कॉमा से सेपरेट कर देंगे. यहाँ पर ये पूरा एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है, जैसे इसमें 1 2 3 होते हैं. कॉमा से सेपरेट किया, इस पावर सेट के लिए ये एलिमेंट हैं पर खुद में ये क्या है, एक सबसेट है ना, सभी सबसेट हैं, यानी कि खुद ये एक सेट है. यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितने हैं, तो 4, क्योंकि उतने ही सबसेट बन सकते हैं. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज व्हाट, 2n का फॉर्मूला जो यूज कर रहे थे हम वही यूज करेंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज 4 हियर. ओके, नाउ यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इन अ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. इट इज डिनोटेड बाई द सिम्बल दिस एंड दिस, कैपिटल यू या कर्सिव ई की तरह हम उसको थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, ठीक है ना. समटाइम्स इसको सिग्मा भी लोग बोल देते हैं. तो यहाँ पर ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, जिसका मतलब क्या हुआ कि किसी गिवन प्रॉब्लम में हमारे पास जो ऐसा सेट दिया जाए जो बाकी सेट्स को अंडर कंसिडरेशन रखता है, यानी कि इन्वॉल्व करता है अपने अंदर. एग्जाम्पल के तौर पर हम ज़्यादा समझ पाएंगे इसको. तो फॉर ए बी सी जी एम यू, यानी हमने एक सेट लिया जिसमें हमारे पास कुछ इंग्लिश लेटर हैं, है ना, इंग्लिश अल्फाबेट के कुछ लेटर हैं. तो कहा गया इस सेट के लिए जो यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, वो यूनिवर्सल सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन अ इंग्लिश अल्फाबेट ए टू जेड, सभी जो लेटर हैं इंग्लिश अल्फाबेट के उसका हम सेट बना लें. अब इस सेट के लिए वो सेट हमारा यूनिवर्स कहा जाएगा ना, यूनिवर्सल सेट, तो उसी ब्रह्मांड में तो वो आ रहा है, तो इसलिए ऐसा नाम दिया गया कि यूनिवर्सल सेट. ठीक है, कहीं प्रॉब्लम आती है कॉन्टैक्ट करिए. थैंक यू.